बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। मैं फटाफट से चढ़ा भाई, भीग गया अच्छा खासा। केबिन में पानी भाई आने लग गया, इसका तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई। देखने को मिल रहा होगा पानी आ गया है, यहाँ भी पानी आ गया है। वो स्विच जहाँ पे है वहाँ पे केबल थोड़ा सा ऐसा हुआ है, छील के उसको अंदर घुसाया जाता है और उसमें मतलब वायर जिसको जहाँ पे मतलब लगाना है वहां पे लगा दिए, वही वहां से पानी होके यहाँ पे आ रहा है। वाइब देख सकते हो किस तरीके से भाई बारिश चल रही है। जिस वक्त की देखने को मिल रहा होगा कि मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, अभी तक कोई काम पे नहीं चाहा है। और मैं आप सभी को इस साइड से भी दिखाता हूँ कि इस साइड में क्या सिचुएशन है। जैसे कि यहाँ पे भी देखने को मिल रहा होगा पानी ही पानी है, लेकिन आज जो काम होने वाला है वो काम कुछ और नहीं बल्कि आज की कॉन्क्रीटिंग भराई होने वाला है, कॉन्क्रीट होने वाला है, कॉन्क्रीट स्लैब भराई होने वाला है। लेकिन एक ही गाड़ी ऑर्डर दिया गया, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये है कुछ सीन यहाँ से सामने से ऐसा दिखता है। सामने से हम यहाँ जाते हैं तो पूरा का पूरा मौसम अजीब सा करके रखा है। फिलहाल अभी तो बारिश लगभग नाइट से ही हो रहा है, और जैसे कि मैं बता सकता हूँ आप सभी को नाइट से कब से लेट से ही हो रहा है, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठा था नहाने को, तब से देख रहा हूँ कि बारिश ही बारिश हो रही है और चारों तरफ तो बारिश ही बारिश हो रही है। अगर इस साइड में हम आते हैं ना तो इस साइड में भी पूरा एकदम धुंध जैसा देखने को मिल रहा होगा, और इस साइड में भी आते हैं तो इस साइड में भी धुंध जैसा पूरा पूरा देखने को मिल रहा होगा। बारिश कंटिन्यू है, सुबह से ही है, तो ये बारिश रुकेगी नहीं रुकेगी भाई कोई नहीं जानता है। तो अभी हमें जाना होगा ट्रेन पे, एक गाड़ी कॉन्क्रीट आ रहा है, कम से कम उसको तो खाली करना पड़ता है। तो फिलहाल गाइस मैं आ चुका हूँ क्रेन पे और भाई बारिश हो रही है, भाई बारिश हो रही है, बारिश बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। मैं फटाफट से चढ़ा भाई, भीग गया अच्छा खासा। केबिन में पानी भाई आने लग गया, इसका तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई। देखने को मिल रहा होगा पानी आ गया है, यहाँ भी पानी आ गया है, ये आखिर कैसे हो रहा है चेक करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मुझे टेप लेके आना था लेकिन मैं भूल गया, क्योंकि टेप लाएंगे तो क्योंकि उसका केबल के द्वारा आ रहा है भाई। ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि केबल में से पानी आ रहा है। हालांकि केबल सही है, केबल का इश्यूज नहीं है, केबल बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी कहाँ से आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वहां कहाँ से घुस रहा है वो नहीं पता, लेकिन यहाँ दिख रहा है भाई कि केबल से आ रहा है। तो आप सभी को दिखाते हैं कैसा आ रहा है। और भाई क्या ही कहें, पानी जितना ज्यादा आएगा उतना ही केबिन में घुसेगा। यह है अपना केबल, यहाँ से दिखाते हैं, ये जो केबल दिख रहा है इसमें से आ रहा है, ये फिलहाल किसी काम का नहीं, तो ये ऐसे दिख रहा है, इसी के अंदर से कहीं से आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई समझ में नहीं आ रहा है। और इस साइड में भी, क्योंकि वो केबल है ना इस साइड तक आया है, तो इस साइड से कहीं पे केबल वेबल फटा होगा, हल्का हल्का पानी आ रहा है और वो पानी यहाँ तक आ जा रहा है, तो ऐसा हो गया है। और इस वक्त कॉन्क्रीट कर रहा है तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे पाइपलाइन वगैरह बिछा दिया गया है ताकि वो कॉन्क्रीट करेंगे, लेकिन कॉन्क्रीट कब होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता, लेकिन आधा अधूरा काम तो जरूर से होना है भाई। यानी कि एक बकेट एक गाड़ी हमें खाली करना पड़ेगा दादर में, दादर यानी सीढ़ी में, और वहां खाली करेंगे, फिर उसके बाद कितना आएगा कॉन्क्रीट कितना नहीं आएगा अपने को नहीं पता भाई। बारिश अच्छा खासा हो रहा है और यहाँ से वाइब देखने को मिल रहा होगा अच्छे खासी बारिश के साथ साथ, यानी कि चारों तरफ बादल ही बादल है। सामने में तो भाई पहाड़ है, पहाड़ भी
दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 20% दिख रहा है, इतना ज्यादा बादल वहां पे। हमने बिल्कुल भी क्रेन को घुमा दिया है दूसरे डायरेक्शन में, यहाँ से देखने को मिल रहा होगा डायरेक्शन बिल्कुल भी बदल चुका है और पानी भी अच्छा खासा आ रहा है, तो इसे बंद करना होगा। और यहाँ पे ऊपर कुछ लोग स्लैब में आए हैं जो फिटर हैं, जो सरिया वगैरह भी बांधते हैं, लेकिन भाई साहब काम कोई नहीं कर रहे हैं। वहां आने के बाद सीधा तारपोलिंग के नीचे घुस गए हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एक तारपोलिंग ही है ये वाली लोकेशन पे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही है जिनका सही है भाई वो अपना तारपोलिंग वगैरह के नीचे है, और जिनका नहीं है तो वो ऐसे ही कर रहे हैं। तो कुछ लोग रेनकोट वगैरह है कंपनी का मिलता है, बारिश का टाइम है, रेनकोट भाई की मिलना चाहिए भाई, क्योंकि काम आगे बढ़ाना है तो रेनकोट तो होना चाहिए, छतरी भी होना चाहिए, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हमें भाई। तो मतलब मुझे छतरी लेने के लिए पैसा भाई मिल गया था तो हमने छतरी ले लिया है, लेकिन क्रेन में चढ़ना है तो जरूरत नहीं है छतरी की, इसलिए छतरी कैंसिल, सीधा रूम पे। कल के दिन आपने छतरी देखा होगा, छतरी लेके मैं यहाँ वहां टहल रहा हूँ पूरा इधर उधर, तो कल कभी होता है, कल नहीं हाँ कल ही, तो छतरी इधर उधर लेके मैं अच्छा खासा घूम रहा था भाई, तो ऐसा सिचुएशन था। तो बारिश होती है तो जब नीचे मैं सिग्नल दूंगा तब मैं छतरी लेता हूँ, वरना ऐसे जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ से सामने से बिल्कुल भी वो दिखाई दे रहा है जो अपना ये केबल आया है, जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ जहाँ से केबल से पानी लीक हो रहा है वो केबल, ये दोनों ये सामने में यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। मैं इसे जूम करता हूँ, यहाँ देखने को मिल रहा होगा दो टॉप लगे हुए हैं, उस टॉप में बिल्कुल भी फंसाया गया पैनल बोर्ड्स के द्वारा, और वो केबल यहाँ से होकर पीछे से होकर आपका इस साइड में आ गया है, ठीक है। और उसका रास्ता इधर से, ये जो दिख रहा है यहाँ से आया है केबल, और भाई यहाँ से आके इसमें एक अटैच हुआ है, दूसरा इसमें अटैच हुआ है, और उसका स्विच है, और वहां पे उसका MCB वगैरह छोटा छोटा रहता है, स्विच ही बोलते हैं, तो उसका क्या है कनेक्शन यहाँ पे आया हुआ है। और भाई वो उसका जो वो स्विच जहाँ पे है वहां पे केबल थोड़ा सा ऐसा हुआ है, जैसे छील के उसको अंदर घुसाया जाता है, और उसमें मतलब वायर जिसको जहाँ पे मतलब लगाना है वहां पे लगा दिए, भाई वहां से पानी होके यहाँ पे आ रहा है, तभी तो क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो कल क्या करना होगा मुझे कि टेप लेके आना होगा, और टेप वहां पे भी मारेंगे, यहाँ पे भी मारेंगे, बढ़िया से मार देंगे ताकि पानी ना आए, पानी आ रहा है तो भाई केबिन का भी नुकसान प्लस हमारा भी नुकसान, इधर उधर होके आना जाना वो भी दिक्कत है भाई, पानी जमा हो गया वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है। क्रेन में कैसा होता है कि क्रेन में अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो क्रेन धीरे धीरे खराब हो जाएगा, तो वहां पे आपको रहना है, वहां पे आपको काम करना है, किस तरीके से आप केयर करते हो, किस तरीके इंसान हो वो आप सभी को इससे पता चल जाएगा। क्रेन फ्रेश भी रखा जाता है, जैसे कई सारे लोग ये फ्रेश नहीं रखते हैं, ये हमारा फ्रेश नीचे देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये फ्रेश नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये भाप बन के ऐसा हो गया, तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हवा आएगा तो वो गायब हो जाएगा। तो ये सामने में भी धुंध नजर आ रहा है, सामने में बिल्डिंग है, इस साइड में भी फ्रेश है, इस साइड में भी फ्रेश है, ऊपर हमारा लाइट मस्त जल रहा है, ओ हम इसे बंद कर देंगे अभी, हम तो बस ऐसे ही जला के रखे ताकि हम दिखे भाई फ्रेश क्योंकि नहीं दिखेंगे तो भाई हम दिखेंगे ही। तो यहाँ पे अभी बारिश हो रही है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा ही हो रहा है। मौसम मौसम हो मौसम आ लेना।